कृपया ध्यान दीजिए, कर्बसाइड सिर्फ सामान लादने और उतारने के लिए है। गाड़ियां खड़ी करना, इंतजार करना या रुके रहना सख्त मना है। यात्रियों से निवेदन है कि वो सूचना का पालन करें। यात्री कृपया ध्यान दें, कर्बसाइड सिर्फ सामान लादने और उतारने के लिए है। गाड़ियां खड़ी करना, इंतजार करना या रुके रहना सख्त मना है। यात्रियों से निवेदन है कि वो सूचना का पालन करें। मेरी तो पूरी ट्रिप का सत्यानाश हो जाएगा। अरे यार, अगर मौसम ऐसा ही रहा तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे यार, एक घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, मैं फर्स्ट क्लास में नहीं हूँ। Okay. मैं डेनवर की फ्लाइट पे हूँ जो 40 मिनट में जाने वाली है। आप प्लीज मुझे यहीं चेक इन कर सकती हैं, मेरे पास सिर्फ एक हैंडबैग है। मुझे अफसोस है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। आप वहाँ कस्टमर सर्विस के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। आई एम सॉरी। मैं आपको बता चुका हूँ, कल सुबह मैं आपको सबसे पहली फ्लाइट से भेज सकता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मैं एक सर्जन हूँ और कल एक इमरजेंसी है, मुझे बाल्टीमोर में एक ऑपरेशन करना है, आप समझ रहे हैं? और वो 10 साल का, सिर्फ 10 साल का बच्चा है। मार, देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं सीधे एयरपोर्ट से आ जाऊंगी, एमा ड्रेस लेकर वहाँ आ जाएगी और मैं टैक्सी में कपड़े बदल लूंगी। मेरी मामा वहाँ है? ओह गॉड, मैं पहुँच जाऊंगी। ओह हनी, मैं आ जाऊंगी। ओके, मुझे थोड़ा वक्त दो हनी, मैं कुछ करती हूँ। ओके बाय। क्या आप मुझे कहीं और की फ्लाइट दे सकते हैं जहाँ से मैं फ्लाइट पकड़ कर कल सुबह तक पहुँच सकूँ, प्लीज? मुझे नहीं लगता आज रात और कोई फ्लाइट होगी क्योंकि तूफान आने वाला है। हाँ मुझे पता है, लेकिन तो मेरी मानिए, इससे पहले कि होटल्स भर जाए आप एक वाउचर ले लीजिए। ठीक है, ओके। एक मिनट, नहीं मैं अकेली हूँ, पेन देंगे प्लीज? सर हाँ, अच्छा सर, आई एम सॉरी पर मैंने आपकी बातें सुन ली, लगता है हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है। मैं अंधेरा होने से पहले डेनवर पहुंचना चाहती हूँ। हाँ, मैंने भी सब कुछ चेक कर लिया है, किराए की कार्स भी नहीं मिल रही और उसने कहा कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, इसलिए मैं, मेरे पास एक आइडिया है। आपका नाम क्या है? एलेक्स मार्टिन। आपका? बेन। हेलो, वॉल्टर? हाँ मैं ही हूँ। एलेक्स, मैंने ही फोन किया था। हाय, कोई इमरजेंसी है क्या? ओह एक्चुअली कल मेरी शादी है तो तब तो जाना ही पड़ेगा, है ना? कंग्रेचुलेशंस। ओह नहीं नहीं, हमारी शादी नहीं हो रही है, इनकी शादी हो रही है। मेरे पास 2 इंजन वाला प्लेन है, 2 लोग बैठ सकते हैं, 800 लगे। चलेगा। ओह अरे कुछ नहीं करेगा, इसे लोग अच्छे लगे। अच्छा, मैं बस अभी आया, तुम कुत्ते के साथ ही रहना, जब मैं तैयार हो जाऊंगा वो तुम्हें बता देगा। हमें डेनवर की लेट नाइट फ्लाइट का टाइम चेक कर लेना चाहिए। आधी रात को है, करीब 6:45 न्यूयॉर्क पहुंचती है। मैंने हम दोनों की टिकट बुक करवा ली है, कुछ ही बची थी। ओ, करवा ली? हाँ। थैंक यू। फ्लाइट प्लान फाइल कर दिया? जरूरत नहीं है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, मौसम भी उतना खराब नहीं है, लेकिन तूफान आने वाला है। हम उसे पार कर लेंगे। पक्का? वियतनाम में F-5 बहुत उड़ा चुका हूँ, कोई गोली नहीं मारेगा तो मैं तुम्हें जरूर पहुँचा दूंगा। मेडिकल कॉन्फ्रेंस। आप न्यूयॉर्क से हैं? बाल्टीमोर। पर आप इंग्लैंड के हैं, है ना? लंदन। मेरी शादी एक अमेरिकन से हुई है। वहां उस तरफ हाई यूएंटेस के जंगल हैं। 1 साल में 700 इंच से ज्यादा बर्फ गिरती है।
कुदरत का एक शानदार नजारा। आराम से बच्चे। वैसे एक बात बता दूं, मेरी पोस्टिंग लंदन में हुई थी, 48 फाइटर विंग मिल्टन हॉल में। अच्छा? आ, अभी जाने मन से वहीं मिला था मैं। सच में कितना रोमांटिक है। अब कहाँ है वो? से पता, वो तो 50 साल पहले की बात है। तो आपने उनसे शादी नहीं की? हाँ, उसकी शादी पहले ही किसी और से हो चुकी थी। वैसे मैं शादी करने वालों में से नहीं हूँ, मुझे तो अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये क्या है? ये कैंडी क्रश है। मुझे अपने अमिगडाला को चलाए रखना है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो मोटिवेट करता है। मैं जानती हूँ अमिगडाला क्या होता है। आपका आइडियो कैसे आना हुआ? फोटोग्राफ्स के लिए, नव नाजियों की अखबार के लिए। तो जर्नलिस्ट हैं? हाँ। अब सारे सवालों के जवाब मिल गए। खाने से दूर रहो बच्चे। वॉल्टर, वो देख रहे हो? तूफान ने रास्ता बदल लिया होगा। सॉल्ट लेक सेंटर, सॉल्ट लेक सेंटर, ये है 209। इसकी नाइनर एफर्मेटिव, स्पॉकिंग 01 1 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
एलेक्स, एलेक्स, शुक्र है तुम जिंदा हो।
मेरी तरफ देखो, जब मैं सब ठीक है। ओह शुक्र है, शुक्र है। मेरा फोन, तुम्हें तुम्हारा फोन चाहिए एलेक्स? एलेक्स तुम्हारा फोन टूट गया है, मेरे फोन में सिग्नल नहीं है और हम बहुत ऊंचाई पर हैं, पर हम जिंदा हैं। मेरी टांग। बैठने की कोशिश करो, थोड़ा सा पानी पी लो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम लो, पी लो। मैं बेन हूँ। बहुत अच्छा। मेरे पास पेन किलर है। ओ, हाँ, मेरे बैग में। हाँ, पता है, जब तुम्हारे कपड़े बदल रहा था तब मिली थी। तुम ठीक हो? बस दो चार चोटें, कुछ खरोचे और कुछ टूटी पसलियां, किस्मत अच्छी थी। और पायलट? कल ही उसे दफना दिया। उसने फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया था ना? नहीं, पर रेडियो से कांटेक्ट था। हमें यहाँ कितना वक्त हो गया? 36 घंटे। मैनुअल में किसी लाइट के बारे में कुछ तो लिखा था। हाँ, वो पीछे टेल की तरफ था। ना जाने वो हिस्सा कहाँ गिरा होगा। ओह गॉड, मार्क को अंदाजा भी नहीं है मैं कहाँ हूँ, वो फिक्र कर रहा होगा। ओके, शांत हो जाओ, कोई हमें लेने जरूर आएगा। अगर हम बर्फ पिघला लें तो हमें पानी की कमी नहीं होगी। हमारे पास बादाम के 4 पैकेट हैं, कुछ चॉकलेट्स हैं, आधा खाया हुआ सैंडविच और कुछ बिस्किट्स हैं। मदद पहुंचने तक ये हमें जिंदा रखेंगे। कौन से बिस्किट हैं? क्या प्लेन, मुझे फ्लेयर गन दो, फ्लेयर, जल्दी, एलेक्स, मुझे फ्लेयर गन दो, ये लो, जल्दी लो, जल्दी लो, रुको रुको रुको, वो खाली है, फ्लेयर दो, जल्दी, ये लो, जल्दी, जल्दी करो। यहाँ नीचे, नीचे, वो सुन नहीं सकते तुम, जानती हो, ऐसा ऐसा करना पड़ता है। बेन, रूल नंबर 3 याद है ना? हम बिना खाए 3 हफ्ते रह सकते हैं, 3 दिन बिना पानी के और 3 मिनट बिना ऑक्सीजन के। मुझे मदद करने दो, मुझे मदद करनी है। तुम्हें मदद करनी है तो बस एक मेहरबानी करो, अपना पैर भी तो मत हिलाओ। तुम ठीक हो जाओगी तो मेरी मदद कर पाओगी, है ना? प्लीज। जो भी जल सके डाल दो। ये लो। ये तुमने खींची है? हाँ। बहुत अच्छी है। आई एम सॉरी तुम अपनी शादी पर नहीं पहुंच सके। बार बार यही ख्याल आ रहा है कि उसे पता भी नहीं मैं जिंदा हूँ। तुमने उसे बताया था तुम एक चार्टर्ड फ्लाइट ले रही हो? नहीं, डेनवर पहुँच कर मैं उसे कॉल करने वाली थी और चाहती थी कि वो मेरी बहादुरी की दाद दे। मैं वहाँ ज़रूर पहुँचती, चाहे चर्च में दौड़ कर ही क्यों ना पहुँचना पड़ता, द ग्रेजुएट के डस्टिन हॉफमैन की तरह। कोई हमें ज़रूर ढूंढ लेगा। तुमने किसी को फ़ोन किया था? अपनी वाइफ को किया था, है ना?
किसी को नहीं। मेरे ख्याल से द ग्रेजुएट में डस्टिन हॉफमैन शादी रोक रहा था। क्या? वो खिड़की ठोक कर चिल्ला रहा था। इलेन। ओह हाँ हाँ, अब याद आया। तुम्हें क्या ये? बाथरूम जाना है। आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं। हाँ। थोड़ा ऊपर उठो। थैंक्स थैंक्स। अब कर लूँगी कर लूँगी। थैंक यू। देख कर तो ठीक लग रहा है। अच्छा, ये क्या कर रही हो? 3 दिन हो गए हैं। खाने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं, अच्छा होगा हम यहीं रहें, ठीक है? तुम ज्यादा चल नहीं पाओगे। बिल्कुल नहीं बहन, मैं यहाँ और नहीं रुकने वाली। देखो एलेक्स, मेरी बात सुनो। एलेक्स रुको। तो तुम जाओ। क्या, क्या मैं नहीं जा सकता? तुम मेरे बिना यहाँ पर, तुम मेरे बिना नहीं बच पाओगी। और मैं फिर भी चाहती हूँ तुम जाओ। क्या तुम 1 मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकती? एलेक्स रुको रुको रुको, ठीक है मैं जा रहा हूँ। देखो ऊपर एक पहाड़ी है, मैं वहां जाऊंगा, ऊपर चढ़ूंगा, देखूंगा वहां रोड वगैरह है कि नहीं, ठीक है? ओके ओके। रुको रुको रुको, ये ले जाओ, इसका लेंस यूज कर सकते हो, इससे दूर तक दिखता है। हे, अगर तुम वापस ना आए तो कोई बात नहीं। क्या? ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगी। एलेक्स, अगर मैं जाना चाहता था 3 दिन पहले चला गया होता। कैसी दिख रही हूँ? अगर मैं नहीं खा सकती तो तुम भी नहीं खा सकते। Thank you.
खूबसूरत है। इस तरह मत देखो मुझे। जुलाई एंडोस्कोपिक असिस्टेंट मैनेजमेंट। हे बेन, सरप्राइज। यकीन नहीं होता तुमने अपना रिकॉर्डर यहाँ छोड़ दिया। तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मैं जानती हूँ तुम हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हो, जो बहुत गलत है बेन। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जानती हूँ हालात बहुत खराब हो गए हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमने साथ अच्छा वक्त बिताया। क्या हुआ? एक तेंदुआ था, जरे से देखोगे? ओके ओके ओके, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके ओके, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो अंदर कैसे आ गया? नहीं नहीं, वो अंदर नहीं आया। मैं असल में मैंने फ्लेयर गन उठा ली। और फ्लेयर? हाँ, ये तो आज बार बार बच गया। तुमने वाकई उस तेंदुए को फ्लेयर गन से मार दिया? हाँ।
तुमने अपना फोन चेक किया? कुछ नहीं है। तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? सारा। काश मैं उससे मिल पाऊं, वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान होगी। तुम्हारे बच्चे हैं? इतनी जल्दी जल्दी मत खाओ, पेट में दर्द होने लगेगा। मरते मरते बचे हो आज। ये करीब 10 दिन चल जाएगा। अच्छा है, पता नहीं कब निकल पाएंगे। मैं सोच रही थी अगर हम थोड़ा नीचे उतर जाएं तो शायद तुम्हारे फोन पर सिग्नल मिल सकता है। ना। नहीं, फोन को भूल जाओ, कोई सिग्नल नहीं है। मेरे ख्याल से हमें बचाने के लिए कोई अभी तक तो वो हमें ढूंढ नहीं पाए। जानता हूँ, पर अगर हम यहाँ से चले गए तो वो शायद हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो पूरा ध्यान प्लेन को ढूंढने में लगा देंगे। ओह गॉड बेन, उनका एक तरीका है एलेक्स, और इसलिए तरीके फेल होते हैं हमेशा, हर बार। वो अब तक नहीं ढूंढ पाए हमें, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुमने कहा इंतजार करो, मैंने किया। एलेक्स मेरी मानो, ये बेहद खतरनाक है। मैं पहाड़ी से गिरते गिरते बचा। सच कह रहा हूँ, मैं तो मर ही गया था। अगर हम यहाँ रहे तो सेफ है, अगर हम यहाँ से चले गए तो पता नहीं। देखो मैं यहाँ ऊपर मरना नहीं चाहती क्योंकि तुम रिस्क लेने से डरते हो। एलेक्स मैं भी पहाड़ से गिरना नहीं चाहता क्योंकि तुम लापरवाह और खुदगर्ज हो। क्या? और सच सुनोगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्ही ने मुझे इसमें फंसाया है। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। मेरी मदद? मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं बस मदद कर रही थी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तुम मेरी मदद नहीं कर रही थी। तुम तो बस, अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? तुम्हारी शादी के बारे में मैं क्यों सोचूं? बेचारा मार्क, क्या कुछ तुमने एक बार भी मेरे पेशेंट के बारे में सोचा? सोचा क्या मेरे पेशेंट के बारे में? अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे दोष मत दो, क्योंकि मैं ना होता तो अब तक तुम मर चुकी होती। तुम्हारी किस्मत अच्छी है पर मेरी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ फंस गया हूँ। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मेरे बचने के चांसेस ज्यादा होते। ठीक है, चलो चलते हैं। यहाँ रहोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। हम कुछ ढूंढ लेंगे, बस चलते रहो। Thank you.
नीचे पहुंच पाई तो मदद भेजूंगी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। गुड लक एलेक्स। डॉग मेरे साथ है। ओके हे स्माइल। तुमने गुडबाय तक नहीं कहा। मुझे कोशिश करनी थी, अपने तरीके से कोशिश करनी थी। मैं खुश हूँ कि तुम मिल गए, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मुझे भी खुशी है। तो आप वापस ऊपर चले? नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। हमें उन पेड़ों तक उतरना होगा। हम चलते रहेंगे। अच्छा सुनो, चलते चलते कुछ बातें करते हैं। क्या? तुम्हारी शादी के बारे में। मेरी शादी? तुम्हें तो पता ही है, मैंने मिस कर दी। लो बता दिया, और कुछ कुछ नहीं है। अब तुम बताओ मुझे, तुम किस चीज़ के डॉक्टर हो, बताओ। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। अच्छा अच्छा, दिमाग के डॉक्टर हो, पर दिमाग के क्यों? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी के दिमाग का ऑपरेशन करना, क्योंकि वही उनके एहसास होते हैं, उनकी बुद्धि, उनके जज्बात। और दिल का क्या? दिल तो बस एक मांसपेशी है। हम पेड़ों पर तो पहुंच गए हैं, अब रहने का इंतजाम करना।
लगता है यहाँ कुछ है, ये गुफा ठीक रहेगी। अब सूजन काफी कम हो गई है, पहले से बेहतर है। बेहतर तो लग रहा है, तो जरा बैंडेज देखते दो। काफी दिनों से चल रही है। जानते हो मजा कब आता, जब तुम सच के डॉक्टर ना होते। उसमें मजा क्या आता? क्योंकि तब तुम ये सब इसलिए कर रहे होते ताकि तुम मेरी फैंसी अंडरवेयर देख सको। मुझे तो सिंपल सा लगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं? ओह गॉड, तुम्हारे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल सुन्न हैं। यहाँ यहाँ लाओ। अब ठीक है? मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मुझे वो लाइट मिल गई थी, मैंने देखा था, वो चूर चूर हो गई थी। जब तू मुझे ढूंढने आए तब तुम्हें पता चला है ना? मेरे ख्याल से हमें साथ रहना चाहिए, मेरा मतलब पास पास रहना चाहिए। हाँ, पास पास रहेंगे तो ही बच पाएंगे। जानती हूँ, आई एम सॉरी, सच में आई एम सॉरी इस सब के लिए। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन पहाड़ों पर अकेले नहीं रहना चाहता। मैं भी नहीं। तुम तो मुझे नहीं खाओगे ना मेरे दोस्त। मैं तो तुम्हें एलेक्स। तुम नींद में बड़बड़ा रही थी। मैं आई लव यू कहना भूल गई थी। किसे? मैंने मार्क को आई लव यू नहीं कहा। जब मैंने एयरपोर्ट से उससे बात की, जब बात खत्म होती है तो मैं हमेशा उसे आई लव यू कहती हूँ। तो क्या हुआ, वो तो जानता ही है ना। मैं जरा बाहर देख के आती हूँ। तुम्हें कॉफी चाहिए?
अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा नीचे करके देखो उसे उस तरफ। पता है वो कुछ भी हो सकता है, शायद बर्फ पर रोशनी का अक्स या फिर या किसी इंसान ने बनाया हो। हमें चल के देख लेना चाहिए। मेरा मतलब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा है। रुको मैं मदद करता हूँ। एक सवाल पूछ सकती हूँ? तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्योंकि क्या? तुमने वेडिंग रिंग पहनी है पर अपनी वाइफ के बारे में बात नहीं करते। चलो चलकर देखते हैं वो क्या था। Come on, buddy. अंधेरा होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। लगता है हम 1000 फुट और नीचे आ गए हैं। इसे बंधे रहना पसंद नहीं है, छोड़ देती हूँ। इसे पता है इसे कहाँ जाना है। मुझे तो लगता है कि बांध के रखना चाहिए था। आ जाओ, 1 घंटा और फिर रुक जाएंगे। इसे पार नहीं कर सकते। हम हिम्मत करके वापस ऊपर जाना होगा एलेक्स। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। देखो मैं वापस ऊपर नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। नीचे जाने का कोई और रास्ता जरूर नहीं। हमें वापस जाकर कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से अगर इस रास्ते हम ऐसा करना बेवकूफी है। उस रास्ते से जाएंगे तो हम मर जाएंगे। पिछली बार भी तुम्हारे ख्याल के चक्कर में हम किसी और मुसीबत में फंस गए थे। और पिछली बार जब मैंने सोचा तब मैं अपने दिल की बात सुन रही थी, अपनी हिम्मत अपने दिल पर भरोसा कर रही थी। दिमाग से काम लो। अगर इसे पार करने की कोशिश करेंगे तो हमें करो। मुझे डर लग रहा है, ठीक है, मुझे डर लग रहा है। और मान लो कि तुम्हें भी डर लग रहा है। बेन, क्या तुम जानते हो अगर हमने लापरवाही की तो हमारी जान पर खतरा हो सकता है? मैं और कभी इसका कभी, मतलब जानता हूं, लेकिन इस वक्त हम दोनों इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं। ओके, कोई नहीं जानता हम कहाँ हैं, कोई नहीं जानता हम दोनों कहाँ हैं। सिर्फ हम ही हैं एक दूसरे के लिए और यही सच है। मैं मरना नहीं चाहता, ठीक है? बताओ डॉक्टर, अपने दिल से क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि हम दोनों बच जाएंगे? मेरा मन कहता है कि हम दोनों यहीं मर जाएंगे। पर अभी बचने की उम्मीद है क्योंकि हम जिंदा हैं।
वॉश एलेक्स, चलती रहो। हम दोनों थक चुके हैं। I'm sorry. बस अब रुकना नहीं है, ठीक है? हमें चलते रहना है। से काफी नीचे आ गए होंगे। तुम्हारा फोन, हमें चेक करना चाहिए। सिग्नल देखता हूँ। चेक करो कितनी बैटरी बची है। सिग्नल तो बिल्कुल नहीं है, ज्यादा बैटरी भी नहीं बची है। तुम कुछ सुन रहे थे एयरपोर्ट पर? एलेक्स बैटरी बहुत। तुम सिर्फ एक मिनट के लिए, प्लीज सिर्फ एक मिनट के लिए कुछ भी कर सकते हो? जो कुछ भी तुम सुन रहे थे। अब भी हम उस चमकती हुई चीज के रास्ते ही जा रहे हैं ना? हम सही रास्ते जा रहे हैं। मैं ठीक हूँ। जरा देखो वो कितना खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तस्वीर लो। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तस्वीर लो। अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं चाहता हूँ ये मेरी आखिरी तस्वीर हो। मैंने खींचो ना मेरी तस्वीर। कैसा लग रहा हूँ? मेरा काम अभी आधा ही खत्म हुआ था। मैं लड़कियों के एक ग्रुप के बहुत करीब आ गई थी, गोरिल्ला फाइटर्स के, और उन्होंने मुझे अपने साथ आने दिया। उनमें एक लड़की थी, उसने मुझे एक लड़के के बारे में बताया जिसे वो चाहती थी। मैंने उसे तोहफे में एक लिपस्टिक दी। फिर एक धमाका हुआ और वो बुरी तरह घायल हो गई। तब मैं वही थी। मैं उसकी मदद करने गई। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपना बैग खोला। मुझे अपना कैमरा चाहिए था। उसने मुझे देखा, मैंने उसकी तस्वीर खींची। मैं
तुम्हारी तस्वीर नहीं ले सकती, I'm sorry. मैं नहीं मरने वाला, आज तो नहीं. जिंदगी की तरह हमें जिंदा रहना है. हम तीन दिन से चल रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिला. उम्मीद है हमें ये घाटी वहां तक ले जाएगी. हम रुक सकते हैं एक मिनट के लिए? बैठ जाते हैं. संभाल के बैठो, तुम्हारा पैर ऊपर रख देता हूँ. ठीक है, क्यों ना एक बर्फ का गोला हो जाए. श्योर, हाँ, थैंक यू. कोई दूसरा फ्लेवर चाहिए क्या? अच्छा मजाक है, हालांकि अब ठंड की आदत पड़ गई है जो बहुत अजीब. इंसान का शरीर माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है. हमारा शरीर ऊपर वाले का एक करिश्मा है, मौसम के हिसाब से खुद को बदल लेता है. कुत्ता कहाँ है? हम उसे बुला नहीं सकते, उसका नाम नहीं पता ना. अब ये मत कहना कि जाकर कुत्ते को ढूंढो. अब उठ भी जाओ. ठीक है, जाता हूँ. Hey! Hey, दोस्त, क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? हमसे कुछ छुपा रहे हो क्या?
मुझे डर है कि अगर तुम जल्दी नहीं उठी तो लगता है आग की वजह से तुम्हारा शरीर बहुत जल्दी गर्म हो गया, तुम्हारे शरीर में पानी नहीं बचा। मुझे सांप काटने की दवा वाली एक सुई मिली, मैंने उसे खाली करके सलाइन चढ़ाने का आईवी बना दिया। शायद ये गलत हो सकता है एलेक्स, इन्फेक्शन हो जाए या कुछ और, पर मैं जानता हूं तुम चाहती हो मैं कोशिश करूं, बल्कि तुम तो कहोगी कि मैं अपने दिल की बात सुनूं। क्या हमें कोई बचाने आया? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, पर शुक्र है तुम्हें होश आ गया। यही वो घर है जो तुमने देखा था। मुझे बाथरूम जाना है। मैं ये सुनने को तरस गया था। अच्छा सुनो, तुम्हें थोड़े चक्कर आएंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। तुम्हें भी थोड़ा पीना चाहिए। मैंने पिया। बेहोश थी तब और क्या हुआ? कुछ खास नहीं हुआ। तुम करीब 10 फुट गहरे पानी में थी, मुझे पता क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा 2 बार हो चुका है, पर उस चक्कर में सूप के 2 डिब्बे जरूर मिल गए। तो अब आगे क्या? हमें मौसम साफ होने का इंतजार करना होगा, तब कम से कम देख तो पाएंगे कहां जा रहे हैं। ये जनवरी चल रहा है, कब तक हम सूप के 2 डिब्बों पे जिंदा रहेंगे? बेन, हमें खोए हुए 3 हफ्ते हो गए, तुम घर नहीं जाना चाहते? मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा।
पकड़ ले, शाबाश, पकड़ ले उस खरगोश को, चल चल और तेज, चला गया, पकड़ उसे, नहीं, पकड़ लिया, अच्छा, पकड़ लिया ना, बाहर निकाल। यकीन नहीं होता तुमने अपना रिकॉर्डर यहाँ छोड़ दिया। मैं जानती हूँ तुम हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हो। ठीक है, आजा। तूने अच्छी कोशिश की। मैं जानती हूँ हालात खराब हो गए हैं, लेकिन मैं खुश हूँ। अब सो सॉरी, मैं तो ये क्या कर रही हो? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं एक मिनट के लिए क्या गया, तुमने मेरे सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी है ना? ऐसी बात नहीं है बेन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस हो सकता है हम साथ मरे, और मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुम जानना चाहती हो मुझे, प्ले करो। बस कहना चाहती हूँ कि तुम्हें जानने और समझने का ये तरीका ठीक नहीं था। I'm really sorry. मैंने ये मैसेज नहीं सुना 2 सालों से। और लकड़ियां काट के ले आता हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं एलेक्स, अभी उसके बारे में बात नहीं कर सकता।
Good morning. Ben, मैं सोच रही थी कोई सड़क तो होगी आसपास, कोई रास्ता तो होगा। कोशिश कर रहा हूँ, रास्ता मिल जाएगा। अगर तुम अकेले गए तो जल्दी रास्ता ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहता, तुम्हारे बिना शायद पहुंच भी ना पाऊं। तुम्हें जाना होगा, हम यहीं तो नहीं रह सकते। एलेक्स, मेरी वाइफ मुझे वैसे छोड़ के नहीं गई जैसा तुम समझती हो। हम अपनी शादी से बहुत खुश थे, 8 साल तक। पिछले कुछ सालों से बहुत बीमार थी। और मैं उसे बचा नहीं पाया। वो मर गई। I'm so sorry. Thank you.
एलेक्स, तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा। मेरी वजह से पहुंच नहीं पाओगे। मैं नहीं जा सकता। क्या? तुम्हारे बिना नहीं। Alex, उठो, उठो Alex, Alex हम पहुंच गए, उठो, चलो उठो, उठो हम पहुंच गए, बस बस पहुंच गए, उठो, चलो, चलो, आजा Alex, वो देख रही हो? Alex, देख रही हूँ, देख रही हूँ।
पता कहाँ है? वो हमें ढूंढ लेगा। चलो आ। कहाँ हो बच्चे? वॉल्टर के डॉग कहाँ हो? हमें यहाँ से निकलना है, हम बस घर पहुंचने ही वाले हैं। चलो आ जाओ, आ जा। बेन, एलेक्स, बेन, एलेक्स 111 में फॉरेन डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर बैस, हम बच गए। यकीन नहीं होता ना। तुम्हारे हाथ दिखा मुझे। ओ बेन, जानता हूँ, जानता हूँ। कुछ दिनों तक सिलाई नहीं कर पाऊंगा। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। Thank you.
इनसे मिलो, यह है मार्क। तुम मार्क हो? हाँ, तुम बेन हो ना? है मार्क। ओह बेन, पता नहीं क्या कहूँ पर शुक्रिया। तो यही बेन है? हाँ जानता जानता। तो मार्क, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तुमसे। एलेक्स ने बताया तुमने कैसे उसकी जान बचाई? हाँ नहीं नहीं, तुमने मेरी जान बचाई एलेक्स। बेन बेन, यही सच है। हाँ वो मुझे ढूंढने लगेंगे, मुझे जाना होगा। संभल के, आराम से। मिसेस कप्पानी, कैसे हैं आप? अब ठीक लग रहा है? आपका हाथ कैसा, जरा दिखाइए मुझे। मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। ये हमारी पार्टी है, जानती हूँ। जानती हूँ, पर मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ये हमारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। सब ठीक है? सबने ड्रिंक्स ली? और कुछ चाहिए? अगर बर्फ मिलती तो और मजा। अब इसमें आइस डालोगे? ओ पैम, हाय, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लगा तुम्हें मिलकर। तुम कितने खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। देखो मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है इस तरह की बात करने का, पर मुझे यकीन है तुमने बुरे वक्त में भी कुछ तो अच्छी तस्वीरें खींची होंगी। ये बहुत ही कमाल की स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि फोटोग्राफी उतनी ही कमाल की होगी। मुझे लगता है लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। वो मैं जानती हूँ मैम, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर इस बारे में सोचना। हाँ, जरूर, जरूर। हाँ हाँ, जरूर सोचूंगा। हाय बेन, एलेक्स बोल रही हूँ फिर से।
यूं ही हाय कहने के लिए फोन किया था। मुझे फोन करना। ऐसा करते हैं, एक बार ये खत्म हो जाए हम जल्दी निकल जाएंगे, रिसेप्शन से पहले ही। एलेक्स? क्या? कोई बात नहीं। क्या तुम? नहीं नहीं, मैं दरअसल बात कर रहा था फंड रेजर की। ओह आई एम सॉरी सॉरी। एलेक्स, मैं समझता हूँ तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहती, पर मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मुझे पूरा यकीन था कि कभी न कभी तुम्हारी कोई खबर जरूर आएगी, इसीलिए मैंने अपने आप से वादा किया। उम्र भर तुमसे प्यार करता रहूंगा, फिर चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो या ना हो।
I'm sorry, तुम्हें वेट करना पड़ा। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी, कैसी तुम भी? हाँ अच्छी। बैठो। आप ड्रिंक भी क्या लेना चाहेंगे? फिलहाल पानी ठीक है बस, थैंक्स। तो कैसे हो तुम? तुम्हारा पैर कैसा है? तुम्हारा कैसा है? दौड़ नहीं सकता, बाकी सब ठीक है। डॉग मेरे पास ही है। ओ सच में? तो नाम क्या रखा उसका? कुत्ता। अभी उसे कोई उसका अभी कोई नाम नहीं है। तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो एलेक्स। थैंक यू। तो सब कैसा चल रहा है? ठीक है, अब लोगों के साथ ज्यादा काम कर रहा हूँ। पोस्ट ट्रॉमा पेशेंट्स, जानती हो ना, एक्सट्रीम केसेस। एक तरह से मैं एनएचएस क्लिनिक और साउथ लंदन के रिहैबिलिटेशन सेंटर के बीच झूलता रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ। काफी अच्छा लग रहा है। अब ऑपरेशन नहीं करते? नहीं नहीं, अब मैं वो नहीं कर सकता। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। मैं जब मैं घर आई तो सब बदल चुका था। मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लगा, पर अब सब ठीक है। और अब प्लेन पर चढ़ने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए अब बच्चों को पढ़ाती हूँ पार्ट टाइम, घर के नज़दीक ही है। तो कैसी रही तुम्हारी शादी? हमने की ही नहीं। क्या तुम्हारी शादी? नहीं। नहीं कर पाई। मार्क बहुत ही अच्छा इंसान है, पर मैं नहीं कर पाई। I'm really sorry, Alex. ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताना चाहती थी, पर तुमने फोन कब उठाया? आप खाना ऑर्डर करना चाहेंगी? नहीं नहीं। मैंने इसलिए फोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है। एलेक्स, लगा तुम्हारी शादी हो चुकी है। एक बार तो फोन कर सकते थे। मेरे लिए सरा को बुलाना ही बहुत मुश्किल था, और तुम्हें पाकर तुम्हें बुलाना और भी मुश्किल हो गया। फिर जब तुमने वो तस्वीरें भेजी तो मैं फिर से जी उठा, सच में जी उठा। मैं हम बच गए, तुम और मैं, और तुमसे मिलने का मन किया। उस पहाड़ पर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने उसे झुठलाने की कोशिश की, पर नहीं कर पाई। जब घर आई तब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश की, पर फिर खुद को समझाया मैंने कि शायद वो सब सच नहीं था, शायद वो सब एक सपना था, क्योंकि असल जिंदगी में हमारा प्यार नहीं टिकता। थैंक यू। हर चीज का एक पल होता है और फिर वो गुजर जाता है। अच्छा, तो तुम उस डॉग को कोई नाम दे सकते हो? नाम तो होना ही चाहिए। शायद तुमने गलत कहा है एलेक्स। हम जिंदा बचे क्योंकि हमें प्यार हो गया था। वहां ऊपर सिर्फ तुम और मैं थे।
पर दुनिया उससे कहीं बड़ी है और दिल सिर्फ एक मांसपेशी है ना? किस बेवकूफ ने ऐसा कहा? Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. But you know. Like a jacket, so do yours. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Your sins, just me and you. Light it up.